देखिए, पहली चीज तो ये मिथ्य को अपने दिमाग में से निकालें। ना चीन ने कोई कब्जा किया है, ना उसको कब्जा करने दिया जा रहा है। हमारी परेशानी क्या है कि चीजों को अलग तरीके से पेश किया जाता है, इसलिए हम उसमें मानकर चल पड़ते हैं। और मैं आपको बहुत अथॉरिटी के साथ कहना चाहता हूँ, मैं सेना अध्यक्ष रहा हूँ, जो स्थिति 2012 में थी आज भी वही स्थिति है, कोई बदलाव नहीं आया है। तो आपको कोई कहे कि जो कब्जा कर लिया, बात मत मानिए। अच्छा, आज से 6 महीने पहले आप लोकसभा में आए थे, आपने ये कहा था कि जल्दी जो बीओके है वो भारत में शामिल होगा। मैंने कहा था कि वो अपने आप आ जाएगा, उसको आने तो दो भाई, वो मन बना रहे हैं, आ जाएंगे। ऐसी चीज़ों में टाइम थोड़ा होता, मैं आपको मनाने लगूँ, आपके मनवार करूँ, आप जब मानोगे तभी आओगे। इंडिया के लिए चाइना बड़ा चैलेंज है या पाकिस्तान? देखिए, भारत के लिए इन दोनों को छोड़ दीजिए, भारत को अपने आप को लेकर चलना है अगर हमको आगे बढ़ना है। जिस दिन आप अपने आप को किसी के साथ जोड़ लेते हैं, आप आगे नहीं बढ़ सकते। और ये हमारी परेशानी थी पहले, हम पाकिस्तान 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 के सोचते थे, कहाँ गया आज पाकिस्तान, रोटी के लाले पड़ रहे हैं। तो ये सर, सर आप लोग ये कहते हैं कि सेना का मान और सम्मान बढ़ा है, जबकि विपक्ष ये कहता है कि अग्निवीर जैसी योजना की वजह से युवाओं के साथ एक धोखा हुआ है और अग्निवीर योजना की वजह से सेना का भी मनोबल गिरा है। पहली चीज तो सेना का मनोबल नहीं गिरा है, जो लोग कहते हैं उनको सेना के बारे में कुछ नहीं पता। अग्निवीर योजना का पहला बैच अब यूनिटों के अंदर आना शुरू है, पिछले 2 महीने से जो रिपोर्ट मुझे मिल रही है, सब लोग उससे संतुष्ट है कि लड़के अच्छे हैं, उनकी अच्छी ट्रेनिंग हुई है, अच्छी रिपोर्ट आ गई। अब इन अच्छी रिपोर्टों के साथ जो भी इसमें परिवर्तन करना होगा, जो भी संशोधन करना होगा, आप जब तक किसी चीज़ को लेंगे नहीं, इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक आपको क्या पता कि आपको क्या करना है। स्कीम बनी है, जिस टाइम बनी थी तब पता नहीं था कि किस तरह के वो आगे चलेगी, अब शुरू हुई है, अब उसके कुछ 1-2 साल तो होने दो, जो उसके बाद मुझसे पूछना। मान हो रहा है और आज एक्सपोर्ट के रूप में एक आपका एक्सचेंज अर्नर बन गया है मोबाइल, जो अच्छे मोबाइल जा रहे हैं। बल्कि अगर आप एप्पल का हिसाब लेते हैं तो सबसे ज़्यादा निर्यात एप्पल का भारत से होता है। डिजिटल में 2 चीज़ें और हैं, जितना सस्ता और जितना ज़्यादा डिजिटल डेटा भारत में है, उतना कहीं नहीं है दुनिया। अमेरिका और चीन को अगर हम मिला लें, दोनों से ज़्यादा डेटा का इस्तेमाल भारत में होता है। इसीलिए आज आप गांव में जाएंगे तो लोग बाग फेसबुक पर हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं अपना, कोई आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कि डेटा इस्तेमाल ना करता। और अगर हम डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, दुनिया का 60% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है, 60%।